हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल जनरल स्टडीज विद अनूप के वर्मा। आपकी स्क्रीन पर ये क्वेश्चन पेपर है। ये पेपर है आपका, दिस पेपर इज रिलेटेड विद द उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, दिस पेपर इज रिलेटेड विद द UKPSC प्रीलिम्स। ये UKPSC का प्रीलिम्स 2024 का एग्जाम कंडक्ट किया गया है फॉर द सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, और ये है आपका पेपर वन। दिस इज द पेपर वन। ठीक है, और ये एग्जाम हुआ है आपका 14th of July 2024 को। ठीक है, और इस पेपर के अंदर 1 to 150 क्वेश्चंस हैं, और हम कोशिश करेंगे कि मोस्टली हम सभी क्वेश्चंस के आंसर्स को इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन के अंदर डिस्कस करें। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ में। UTDB ये इस्टेब्लिश होता है उत्तराखंड के अंदर टू प्रमोट द टूरिज्म। ऑप्शन बी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर टू, इन उत्तराखंड स्टेट विच डिस्ट्रिक्ट गॉट फर्स्ट प्लेस इन फिश प्रोडक्शन इन पर्टिकुलर दिस पर्टिकुलर टाइम पीरियड, दैट इज उधम सिंह नगर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड हैज द हाइएस्ट फॉरेस्ट कवर शेयर परसेंटेज टू द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया, दैट इज नैनीताल। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड पास द फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट इन 2005। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर फोर का। NFHS 2019 और 2021 का सर्वे के अनुसार द मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इन उत्तराखंड जो है वो 2019 और 2021 में कितनी है, यह 6.9.67, दैट इज ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, द टर्म गीगाहर्ट्ज इंडिकेटर इज द फॉलोइंग फीचर्स, ये स्पीड का आपका रहेगा, दैट इज ऑप्शन सी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फिफ्थ जनरेशन AI प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, दैट इज प्रोलॉग। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर सेवन। देन हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर सेवन के बाद क्वेश्चन नंबर एट पर। तो क्वेश्चन नंबर एट में पूछा है, विच मॉड्यूलेशन टेक्निक इज प्रेफर्ड फॉर द मीडियम स्पीड कम्युनिकेशन रेंज अप टू 1200 to 2400 bit per second, ये आपका है फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन, दैट इज ऑप्शन बी होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। कंसिडर द टाइटली वाउंड 100 टर्न कॉइल्स ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर कैरिंग अ करंट ऑफ 1 एम्पियर, व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल, ये होगा 6.28 × 10⁻¹¹ ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। टू सिल्ट्स आर मेड 1 millimeter अपार्ट एंड स्क्रीन इज प्लेस्ड 1 meter अवे, व्हाट विल बी द फ्रिंज सेपरेशन when the blue green light of wavelength 500 nanometer is used, so yahan par jo correct answer hoga wo hoga 0.5 mm, option number b correct answer hoga. What will be the de broglie wavelength of the ball of mass 0.12 kg moving with a speed of 20 meter per second, so yahan par aapka answer hoga 2.76 × 10⁻³¹ meter, option number d correct answer ho jayega. Food can coat with tin instead of zinc because zinc is more reactive than tin, option number c ho jayega yahan par question ka correct answer, question number 12. Next hum badhte hain aage question number 13 ki taraf. So question number 13, as per census 2011 which of the following district of Uttarakhand had lowest female literacy rate, सो ये आपको देखने को मिलेगा कहाँ पर, उधम सिंह नगर में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर। सॉरी, उधम सिंह नगर नहीं है, ओके ओके, सॉरी सॉरी, ये होगा उत्तरकाशी के अंदर, ऑप्शन सी। 13 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। व्हाट परसेंटेज ऑफ उत्तराखंड इज प्लेन एरिया, ये आपका 14% है, ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। व्हेन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम इज नॉट एसोसिएटेड विद द नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, नॉट है तो यहाँ पर SHC, दैट इज ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर। ठीक है, फिर हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 16 है यहाँ पर हमारा, ऑर्गेनिज्म विच ग्रो द बेस्ट इन टेम्परेचर रेंज ऑफ 0 to 15 degrees Celsius इज रिफर्ड एज, ये क्या होता है बेसिकली, दिस इज कॉल्ड एज अ साइक्रोफिलीज, दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट रिलेट्स टू द प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ एनवायरनमेंट एंड सेफगार्ड ऑफ फॉरेस्ट, ये है आपका कब हुआ था, ये हुआ था आपका 1976 के अंदर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प सम हाइड्रोफाइट्स टू थ्राइव इन वेटलैंड एंड मार्शलैंड, सॉरी मार्शेस वेयर वाटर लेवल फ्लक्चुएट्स टाइम टू टाइम,
तो ये होता है आपका एरेनकाइमा टिश्यूज के अंदर, दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर रहेगा। द रिलेटिव कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट ग्रीन हाउस गैसेज टू द ग्लोबल वार्मिंग इज गिवन बिलो, और यहाँ पर आपका CFC-14, ठीक है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट आंसर। टर्म एंटीबायोटिक वॉज कॉइंड बाय, ये कॉइन किया गया था सेलमन वीक्समैन के द्वारा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट ह्यूमन हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय द रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी, तो यहाँ पर 21st का करेक्ट आंसर होगा, दैट इज इंसुलिन, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21 का। देन हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 21 के बाद 22 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 22, इसमें पूछा है हाइब्रिडोमा टेक्निक वॉज डेवलप्ड बाई होम, ये किसके द्वारा डेवलप की गई है, ये डेवलप की गई है दैट इज जॉर्ज कोलर एंड सीजर बिल्स्टिन के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज एन इम्यूनो सप्रेशर फॉर किडनी ट्रांसप्लांटेशन, तो ये होता है आपका मोनोकोकल एंटीबायोटिक्स, दैट इज ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 का। 24 की बात करते हैं, नॉट करेक्टली पेयर्ड है यहाँ पर, तो 24 में केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1979, ये इनकरेक्ट आपका मैच है, ठीक है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। सो यहाँ पर आपका दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड अगेन, तो यहाँ पर आएगा गोविंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन चमोलियन गढ़वाल, ये ऑप्शन आपका क्या है, गलत है। मालगाम द पोलिंग स्टेशन विथ वन वोटर ड्यूरिंग 2024 इलेक्शन, ये किस स्टेट में है, तो ये है आपका अरुणाचल प्रदेश के अंदर, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 26 का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 27 में आपसे पूछा गया है हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस 4 मंथ, हाउ मच टाइम इट विल टेक टू डिके 3/4 ऑफ द सब्सटेंसेस, सो यहाँ पर आपको टाइम लगेगा 8 महीने का लगभग। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द हाइएस्ट रिएक्टिव मेटल, इनमें से तो वो है आपका पोटेशियम, ठीक है, नहीं पोटेशियम नहीं आपका, सॉरी ये होगा सोडियम होगा, हाइएस्ट रिएक्टिव इनमें से सोडियम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, सो क्वेश्चन नंबर 29 में आपसे पूछा गया है द जियोग्राफिकल रीजन विच आर पर्टिकुलरली रिच इन एंडेमिक्स रेयर एंड थ्रेटेंड स्पीसीज फाउंड रिलेटिवली इन स्मॉल एरियाज फेसिंग सिग्निफिकेंट हैबिटेट लॉस विद रेफरेंस टू हॉटस्पॉट, दैट इज ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 29 का करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए फिर हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 29 के बाद क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 30 में आपसे पूछा गया है इंडिया की रैंक क्या है इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के अंदर, ये है 42nd रैंक, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। मिशन दिव्यास्त्र इज रिलेटेड टू, इट इज रिलेटेड टू पृथ्वी मिसाइल सिस्टम, दैट इज ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर। फरवरी 2024 विच बैंक वॉज इन न्यूज फॉर रेजिंग $300 मिलियन थ्रू फर्स्ट एवर सस्टेनेबल फाइनेंशियल बॉन्ड इशू, दैट इज HDFC, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। बिसाइड उर्दू पोएट गुलजार हु इज द अदर रेसिपियंट ऑफ 58th जनपथ अवार्ड, तो यहाँ पर आपका आंसर होगा जगत गुरु राम भद्राचार्य, दैट इज ऑप्शन सी यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर होगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज एक्सटेंडेड ओ स्मार्ट स्कीम टिल 2026 विच इज एम्ड एट, उसका एम क्या है, इसका एम है कि ओशन डेवलपमेंट एक्टिविटीज, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 35, प्रायर टू ज्योति अत्री रिकॉर्ड ऑफ ओल्डेस्ट इंडियन वुमेन टू स्केल माउंट एवरेस्ट वॉज हेल्ड बाय होम, सो दिस वॉज बाय द यहाँ पर आंसर होगा आपका संगीता बहल, दैट इज ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेम द सिटी वेयर 37 नेशनल गेम वर इनॉग्रेटेड इन अक्टूबर 2023, दैट इज इन गोवा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। 37 नंबर क्वेश्चन 36 के बाद, हाउ मेनी गोल्ड मेडल्स वर वॉन बाय इंडिया इन 19 एशियन गेम 2023 में, तो यहाँ पर जीते हैं 28, ठीक है, 28, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 हो चुका है, 37 के बाद हम बात करते हैं 38 की। फरवरी 2024 हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन सिटीजन टू रिसीव द ऑनररी नाइटहुड फ्रॉम यूनाइटेड किंगडम किंग चार्ल्स III, तो ये मिला है किसको,
सुनील भाटी मित्तल को, दैट इज ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। विच अमंग द फॉलोइंग वॉज द विनर ऑफ बेस्ट एनिमेटेड फीचर फिल्म एट 96th अकेडमी अवार्ड। सो 39 का यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा द बॉय एंड द हीरोइंस, दैट इज ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। डेनियल खेमेन हु डाइड इन रिसेंटली इन मार्च 2024 वॉज गिवन नोबल प्राइज इन 2002 फॉर द कॉन्ट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमी। ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। हु हैज़ अवार्ड वॉन द फर्स्ट प्राइज इन नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल, यतीन भास्कर एंड दुग्गल, ठीक है, दैट इज ऑप्शन बी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को मनाया जाता है। मार्च 2024, हु मेड हिस्ट्री फॉर द फर्स्ट टाइम, फर्स्ट वुमेन स्नाइपर इन द BSF, दैट इज सुमन कुमारी। ऑप्शन सी होगा यहाँ पर 43 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। सो 44 नंबर क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, जिसमें पूछा गया है द फर्स्ट इंटरनेशनल सबमिट ऑन द रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ AI इन द मिलिट्री वॉज हेल्ड इन द नीदरलैंड। ऑप्शन नंबर डी होगा 44 का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45, द परमानेंट सेक्रेटेरिएट ऑफ बिम्स्टेक कहाँ पर है? ये आपका ढाका के अंदर है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक हैज वॉन 2024 इंटरनेशनल बुकर्स प्राइज, ये आपका होगा क्यूरोज, दैट इज ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन मार्च 2024, विच कंपनी हैज एक्वायर्ड एजुकेशनल प्लेटफॉर्म उदयसिटी, दैट इज एसेंचर, ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। निवेदिता करकी ऑनर्ड द तेलु राउतेली स्टेट लेवल अवार्ड, ये एसोसिएटेड है विद द बॉक्सिंग। ऑप्शन डी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। 49 नंबर में पूछा है किस फेज में उत्तराखंड के अंदर इलेक्शन हुए थे, ये आपके फर्स्ट फेज के अंदर इलेक्शन यहाँ पर देखने को मिलते हैं 49 के अंदर। 50 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फोक डांस सेलिब्रेशन ऑफ उत्तराखंड इज इंक्लूडेड इन द इनटेंजिबल हेरिटेज ऑफ यूनेस्को, सो ये है आपका रमन, दैट इज ऑप्शन ए। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ फर्स्ट वुमेन चीफ सेक्रेटरी ऑफ द उत्तराखंड, दैट इज राधा रतौरी, दैट इज ऑप्शन नंबर राधा रतौरी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। हिंदू रिलीजियस पिलग्रिम प्लेस नेम एज पूर्णागिरी, ये आपका किस जिले के अंदर आता है? ये आता है चंपावत के अंदर। ऑप्शन नंबर सी होगा 52 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ठीक है। 52 के बाद हम बात करते हैं यहाँ पर 53 की। सो 53 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा है हेडक्वार्टर आपका देहरादून के अंदर कहाँ किसके हैं? सर्वे ऑफ इंडिया के हेडक्वार्टर्स आपको देहरादून में मिलेंगे। ट्रेन जो मनशाखांड कॉरिडोर यात्रा जो है वो शुरू हो रही है वो कौन से स्टेशन से होगी? वो हावड़ा से, हावड़ा दैट मीन्स कोलकाता। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ उत्तराखंड हाईकोर्ट, दैट इज ऋतु बहारी, दैट इज ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर 55 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56, लॉस एंजलिस में ओलंपिक गेम्स खेले जाएंगे उसमें कौन से न्यू गेम्स ऐड किए गए हैं? वो है बास्केटबॉल, बास्केटबॉल और ये स्क्वैश, दैट इज ए, ऑप्शन ए यहाँ पर क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। ये जो नाम दिया गया है ये किस कंट्री से रिलेटेड है? जो एक ये आपका रशिया से संबंधित है। विच इंडियन सिटी हैज बीन एडेड इन द यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क इन द फील्ड ऑफ सिटी ऑफ लिटरेचर, दैट इज द कोझिकोड, दैट इज ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 58 का करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी जो है वो किसके द्वारा स्थापित की गई थी? ये स्थापित की गई थी धर्मपाल के द्वारा। मिलिंद पन्हा इज बेस्ड ऑन द क्वेश्चन महाराजा मिलिंद इन विच लैंग्वेज, इट इज इन लैंग्वेज ऑफ द पाली। शाहजहां गिव द टाइटल ऑफ शाह इकबाल टू हिज सन दारा शिकोह, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर। इन बैटल्स को आपको अरेंज करना है क्रोनोलॉजी में, तो 62 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ऑफ द फॉलोइंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग जियाउद्दीन बरनी के द्वारा क्या लिखे गए? तारीख है मुबारक शाही, दैट इज ऑप्शन ए यहाँ पर क्या होगा करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 63 का। 64 की बात करते हैं, द कमिसरेट ऑफ विक्ट्री ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विच रीजन डिड अकबर बिल्ड द बुलंद दरवाजा बनवाया था उसने जब उसने गुजरात को जीता था। 1338 AD,
हु हैड एस्टैब्लिश द विजयनगर एम्पायर, दैट इज हरिहर एंड बुक्का, दैट इज ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम कहा जाता है वुड्स डिस्पैच जो एजुकेशन था 1854 का, दैट इज ऑप्शन नंबर बी होगा 66 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं आगे हम, क्वेश्चन नंबर 66 के बाद 67 पे आते हैं। तो 67 में आपसे पूछा है प्राइमरी एम ऑफ द अलीगढ़ मूवमेंट टू प्रमोट वेस्टर्न साइंटिफिक एजुकेशन अमंग द मुस्लिम्स इन इंडिया, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर। BHU की स्थापना किसने करी थी, या बेसिकली सेंट्रल हिंदू स्कूल ऑफ बनारस, इसकी स्थापना करी थी एनी बेसेंट ने। प्रोरोगेट द आइडिया ऑफ राजा राम मोहन रॉय हु फाउंडेड द तत्वबोधिनी सभा इन 1839, ये थे देवेंद्रनाथ टैगोर। द प्ले नील दर्पण रिटन इन दिस ड्यूरेशन हाईलाइट द इंडिगो ग्रोवर एंड हु रोट दिस, ये किसने लिखा है, ये लिखा है दीनबंधु मित्र ने, दैट इज ऑप्शन बी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। बंगाल वॉज पार्टीशन बाय लॉर्ड कर्जन इन 1905, इन विच ईयर पार्टीशन वॉज एनवोल्ड इन 1911 के अंदर, दैट इज ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर। हु सेड दैट ब्रह्मनास एंड सर्मनास वर टू टाइप्स ऑफ फिलोसफर्स, ये कहा था मैगेसेनीज ने, ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, फिर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हु कंस्ट्रक्टेड द लेक सुदर्शन लेक बनवाई थी, चंद्रगुप्त मौर्य ने, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। हु एस्टैब्लिश आजीविका संप्रदाय, तो यहाँ पर आपका नाम आएगा दैट इज मैखाली घोषाल, दैट इज ऑप्शन ए यहाँ पर क्या हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सो इस पर्टिकुलर पार्ट के अंदर हम इतने ही क्वेश्चंस को करेंगे, दिस इज द पार्ट वन, और पार्ट टू के अंदर हम जो है बाकी रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस को कवर करते हैं।